जैसा आज हम लेसन 12 स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू लेसन गुड हैबिट्स, ठीक है। और सबसे पहले हम देखेंगे लेट्स बिगिन, जो कि हम लेसन स्टार्ट करने से पहले करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, स्वामी एंड शरद आर वेरी गुड फ्रेंड्स, दो बॉयज हैं जो बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट ये दोनों एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। स्वामी इज हेल्दी एंड क्लीन, जो स्वामी है वो बहुत हेल्दी है और क्लीन रहता है, ठीक है। शरद क्या है, अगर दूसरी साइड की बात की जाए तो शरद क्या अनहेल्दी एंड डर्टी। कैन यू टेल हू इज स्वामी एंड हू इज शरद, राइट डाउन देयर नेम्स। अब आपको इसमें पिक्चर को देख के ये बताना है कि स्वामी कौन है और शरद कौन है। तो ये डर्टी है, ठीक है, तो इसमें बताया गया कि हाँ स्वामी इज हेल्दी एंड क्लीन, तो ये स्वामी हेल्दी भी है और क्लीन भी, तो ये स्वामी हो जाएगा। और शरद क्या अनहेल्दी एंड डर्टी है, तो ये होगा शरद जो कि अनहेल्दी और डर्टी है, ओके। फिर आता है हमारा टॉपिक गुड हैबिट्स। वी गेट अप इन द मॉर्निंग एंड ब्रश आवर टीथ, हमें क्या है सुबह जल्दी उठना चाहिए और ब्रश करना चाहिए। वी बाथ एंड गेट रेडी फॉर स्कूल, और हम नहाते और नहाने के बाद क्या स्कूल के लिए रेडी होते हैं। दीज आर द थिंग्स वी डू डेली, और ये तो हम डेली करते हैं, सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, रेडी होते हैं और स्कूल जाते हैं। दीज आर आवर हैबिट्स, और यही हमारी हैबिट्स होती है, ठीक है। गुड हैबिट्स कीप अस हेल्दी एंड मेक अस स्मार्ट, और गुड हैबिट से क्या है हम हेल्दी रहते हैं और स्मार्ट दिखते हैं, ओके। लेट्स लर्न अबाउट मोर अबाउट सम इम्पोर्टेंट गुड हैबिट्स, अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट गुड हैबिट्स है। सबसे पहले क्या है, ब्रश योर टीथ ट्विस्ट अ डे, मतलब दिन में दो बार हमें ब्रश करना चाहिए। ऑलवेज फ्लश आफ्टर यूज द टॉयलेट, कीप द टॉयलेट सीट ड्राई एंड क्लीन, जो भी अगर हम टॉयलेट यूज कर रहे हैं तो उसके बाद हमें फ्लश का यूज करना चाहिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें अच्छे से हैंड वॉश करना चाहिए। ऑलवेज वॉश योर हैंड आफ्टर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, और जब भी आप घर के बाहर जा रहे हो, घर के बाहर से आ रहे हो, इधर उधर से आ रहे हो, तो आपको अपना हैंड वॉश करना चाहिए। वेयर क्लीन एंड आयरन क्लोथ्स, और हमेशा क्लीन और आयरन क्लोथ्स ही पहनने चाहिए। कट योर नेल्स रेगुलरली, और अपने नेल्स रेगुलरली कट करना चाहिए। डर्ट एंड जर्म्स गेट कलेक्टेड इन लॉन्ग नेल्स, अगर आपके नेल्स लॉन्ग होंगे तो इससे क्या है जर्म्स आपके बॉडी में एंटर करेगा और इससे क्या डिजीजेस फैले, मतलब आपको डिजीजेस होने का बीमारी आपके बॉडी के अंदर बीमारियां पैदा होंगी, ठीक है। तो इसलिए अपने नेल्स हमेशा कट करने चाहिए, बड़े नेल्स नहीं रखने चाहिए। वॉश फूड्स एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग देम, और हमेशा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाने से पहले अच्छे से वॉश करना चाहिए, ठीक है। फिर आता है एक्सरसाइज डेली, रन साइकिल जॉगिंग प्ले एंड एक्सरसाइज डेली टू कीप योर सेल्फ एक्टिव, हमें एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, साइकिलिंग करना चाहिए, जॉगिंग करना चाहिए और आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए ताकि हम क्या रहें फिट और एक्टिव रहें, ओके। ड्रिंक इनफ वाटर एवरी डे, यू मस्ट ड्रिंक 6-8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली, हमें पूरे दिन में 6-7 ग्लास वाटर पीना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमें पानी पीना चाहिए। स्लीप ऑन टाइम और साउंड स्लीप फॉर 8 hours एट नाइट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हमें लेट नाइट में नहीं सोना चाहिए, हमें टाइम भी सोना चाहिए और एटलीस्ट 8 hours की नींद, 8 hours की नींद हमें अपनी कंप्लीट करना चाहिए, ओके। फिर चलिए आते हैं लेस्ट ड्राइवर में, लेस्ट ड्राइवर में राइट एंड ड्रॉ एंड वन गुड हैबिट दैट यू फॉलो, आपको यहाँ पे एक गुड हैबिट लिखना है और ड्रॉ करना है जिसे आप फॉलो करते हो, ठीक है। अभी कुछ गुड हैबिट्स मैंने आपको बताए हैं, उसमें से आप कौन सा गुड हैबिट्स को फॉलो करते हो वो आपको यहाँ पे लिखना है और पिक्चर ड्रॉ करनी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू एंड फॉल्स, वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील, यस ट्रू, हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अच्छे से हैंड वॉश करना चाहिए। वी शुड ईट फूड्स विदाउट वॉशिंग देम, इसमें बोला है कि हमें जो भी फूड्स खाना चाहिए बिना धोए खाना चाहिए, ये हमारा फॉल्स होगा क्योंकि हमें जो भी फूड्स और वेजिटेबल खाना चाहिए वो हमें अच्छे से वॉश करके उसका यूज करना चाहिए। वी शुड कट आवर नेल्स रेगुलरली, यस राइट, हमें अपने नेल्स को हमेशा काटना चाहिए, बड़े नेल्स नहीं रखने चाहिए। वी शुड ईट हेल्दी फूड, यस ट्रू, हमें हेल्दी फूड खाने चाहिए। नेम 4 डिफरेंट एक्सरसाइजेस दैट वी शुड डू एवरी डे, अब आपको इसमें 4 एक्सरसाइजेस लिखे जो आप एवरी डे करते हो, साइकिलिंग हो गया, रनिंग हो गया, योगा हो गया, स्विमिंग हो गया, आप 4 और भी इसमें यूज कर और भी आप इसमें लिख सकते हो, बट मैंने ये बताया साइकिलिंग हो गया, रनिंग हो गया, योगा हो गया और स्विमिंग हो गया, ये आपके 4 एक्सरसाइजेस है, ओके। फिर आता है टिक द गुड हैबिट्स, अब आपको इसमें कुछ दिए हुए ये हैबिट्स, इसमें आपको गुड हैबिट्स को टिक करना है। जैसे फर्स्ट वन इज ब्रश योर टीथ इन मॉर्निंग एट द बेड टाइम, जब आप सुबह मॉर्निंग में और सोने से पहले नाइट में दो बार आपको ब्रश करना चाहिए। ऑलवेज वॉश एंड वाइप योर फीट बिफोर गोइंग टू बेड, आपको अपने
फीट जो फीट को बेड पे जाने से पहले आपको अच्छे से उसे जो क्या है वॉश ऑलवेज वॉश एंड वाइप योर फीट बिफोर गोइंग टू बेड। ठीक है, आपने हाथ पैर को अच्छे से फीट को वॉश करके उसको पोंछ के तभी हमें बेड पे सोने के लिए जाना चाहिए। एंड ब्लो योर नोज इनटू अ हैंडकरचीफ, मतलब हमेशा जैसे खांस रहे हो छींक रहे हो तो उस समय आपको हैंडकरचीफ का यूज करना चाहिए। डू नॉट वॉश वेस्ट फूड, टेक ऑनली व्हाट यू कैन फिनिश, और खाना उतना ही हमें लेना चाहिए जितना हम उसे फिनिश कर सके, खाना को वेस्ट हमें नहीं करना चाहिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले हैंड को वॉश करना चाहिए। वाइप योर फीट ऑन द डोरमैट, जो भी डोरमैट वगैरह है उस पर आपको अपना पैर को पोंछ के ही बेड पे जाना चाहिए। ठीक है, तो बेटा ये आज के टॉपिक से, इसके बाद से जो भी टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगी। ओके, थैंक यू।